हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके GTA गेम में अगर माउस का प्रॉब्लम होता है या अगर वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है तो आप किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना गेम जो है वो ओपन कर लेता हूँ। आपको जो गेम है वो रनिंग में रखना है, उसके बाद ही वो जो ट्रिक है वो काम करेगी। तो मैं अपने गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर नहीं चल पा रहा है, बट अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे चल पाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको रनिंग में ही रखना है, इस गेम को आपको मतलब कि बंद नहीं करना है। और उसके बाद में आपको करना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट आपको प्रेस करना है तीनों साथ में। उसके बाद में क्या होगा कि एक टास्क मैनेजर जो रहता है वो ओपन हो जाता है। तो आपको टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर जब आप ओपन करेंगे तो इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। यही प्रोसेस आप तीनों विंडो में कर सकते हैं, मतलब विंडोज़ 10 में भी कर सकते हैं, विंडोज़ 8 में भी कर सकते हैं और विंडोज़ 7 में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा GTA जो हमारा गेम है, तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा गो टू से डिटेल्स में, तो आपको गो टू डिटेल्स पे चले जाना है। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको एक GTA का गेम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप स्क्रॉल डाउन करके आ जाइए अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो। अब यहाँ पर भी आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको सेट इफिनिटी का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर आपको जाना है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पर ये पांच जगह पर चेक मार्क लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से चेक मार्क हटा देना है सारे पैसे। और उसके बाद में CPU 1 जो रहेगा उसी पर चेक मार्क लगाना है और उसके बाद में ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में फिर आप वापस से अपना गेम को ओपन करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो माउस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब माउस की डायरेक्शन जो है वो चेंज भी हो रही है। तो इस तरह से आप अपने GTA गेम में जो माउस का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।